हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कोई भी एक आपका गिवन इन्फिक्स एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में. ओके, तो जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ये सारा कुछ मैन्युअली करेंगे, यानी पेन एंड पेपर यूज़ करके. बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो है एल्गोरिथम डिस्कस करना. तो इस वीडियो से एक आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे किस तरीके से इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें और इनफिक्स से प्रीफिक्स में. तो नेक्स्ट वीडियो से जब हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो वो ईजिली चीज़ें आपको समझ में आएंगी. ओके, तो इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रफली रिवाइज करते हैं. इनफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर होता है. प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड से पहले आपका ऑपरेटर होता है. और पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर होता है. तो अगर सपोज दैट ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसे क्या करना है, हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स कैलकुलेट करते हैं. ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है. तो इनफिक्स एक्सप्रेशन जो आपको गिवन होगा उसमें क्या करेंगे, पहले स्कैन करेंगे इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है. तो अगर इन दोनों ऑपरेटर को देखें, एक प्लस है एक मल्टीप्लिकेशन है, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का कौन सा, मल्टीप्लिकेशन. तो इसके लेफ्ट में जो होगा वो ऑपरेंड वन बनेगा और इसके राइट में जो होगा वो ऑपरेंड टू होगा. जैसे यहाँ क्या, ये ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू इनफिक्स है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा इन दोनों ऑपरेंड के जो है पहले. तो स्टार इधर आ गया और बी और सी ये आ गया, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं. ये अब आपका जो है इस बी स्टार सी का फाइनली ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन हो, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे. ओके, इस तरीके से हो गया. उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका ये जो मल्टीप्लाई, यानी एक तरीके से इसको जब प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया तो अब ये होल जो आपका ये कम्प्लीटली जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया है. ओके, तो अब नेक्स्ट अगर इवेल्युएट करेंगे तो सिर्फ आपके पास क्या, एक ऑपरेटर है. इसके लेफ्ट में क्या होगा, ऑपरेंड वन, और इसके राइट में जो ये इवेल्युएटेड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है ये ऑपरेंड टू बन जाएगा. तो ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू से पहले ये ऑपरेटर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस. ऑपरेंड वन लिखेंगे वो ए है और ऑपरेंड टू क्या हो जाएगा, स्टार बी सी. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनफिक्स, इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्टार बी सी. अब अगर इसे मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये आपका प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है और ये इनफिक्स है, ये प्रीफिक्स हो गया. अब हम पोस्टफिक्स कैलकुलेट करें तो ए प्लस बी स्टार सी, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इससे करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स अगर लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा उसको पहले इवेलुएट करेंगे. तो ये आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लीकेशन. इसके लेफ्ट में क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड, ये राइट में क्या है, सेकेंड ऑपरेंड. तो जब इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बाद में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी स्टार. ये इवेलुएट हो गया तो इसको भी इस तरीके से ब्रैकेट में, सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ था स्टार बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी स्टार. ये प्रीफिक्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोस्टफिक्स. और इसके लेफ्ट में क्या होगा, जो ऑपरेंड है वो एज इट इज हो जाएगा. अब ये नेक्स्ट ऑपरेटर प्लस है, इसके लेफ्ट में ऑपरेंड वन है, इसके राइट में अब क्या हो चुका है, ये ऑपरेंड टू. तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी स्टार प्लस. ओके, तो ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन, इससे करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स, यहाँ हमने ये कैलकुलेट किया है, और पोस्ट, ये क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स. अब इसमें एक चीज़ जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के वीडियो में डिस्कस की थी, इनमें कॉमन पार्ट क्या है, ए बी सी इस ऑर्डर में दिया इनफिक्स एक्सप्रेशन में, ए पहले है, बी बाद में है, सी आपका उसके बाद में है. अगर प्रीफिक्स को भी अगर केयरफुली देखें तो ऑपरेंड ए पहले आया, बी उसके बाद आ रहा है, सी उसके बाद आ रहा है. ओके, और इसको भी अगर देखेंगे तो ए बी सी ये तीनों आ रहा है. इसका मतलब ये है कि ऑपरेंड का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे इनफिक्स एक्सप्रेशन हो या प्रीफिक्स हो पोस्टफिक्स हो, खाली ऑर्डर क्या चेंज हो रहा है, प्लस यहाँ इनके बीच में था, प्लस पहले आ गया, स्टार इन दोनों के बीच में था, पहले आ गया. यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होगा. तो इस तरीके से ये कन्वर्जन करते हैं कि इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में. अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं. ओके, सो अब ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, इसे क्या करना, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर कौन सा है. यहाँ क्या है, स्टार और मल्टीप्लिकेशन, ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है. तो ये किस तरीके से इवेलुएट होता है, प्रेसिडेंस टेबल में क्या है, लेफ्ट टू राइट. लेकिन एक चीज़ अगर इसमें केयरफुली देखेंगे तो यहाँ क्या आपका ब्रैकेट भी है. तो अगर ऑपरेटर के अलावा ब्रैकेट कहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये ऑपरेटर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्रैकेट में है. तो कहीं भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपका गिवन है तो उसमें अगर कहीं ब्रैकेट मेंशन तो पहले उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ एक ऑपरेंड वन ये होगा, ऑपरेंड टू होगा, प्लस जो है आपको जो है ऑपरेटर है. तो इसका जो रिजल्टेंट प्रीफिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड से पहले क्या हो जाता है, ऑपरेटर. ये फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन सी डिवाइड बाई टी. ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे.
अब क्या करेंगे, अब ये चेक करेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस का कौन सा है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट में आएगा उसको पहले इवेलुएट करेंगे। तो ये ऑपरेंड वन बनेगा, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड टू बन जाएगा। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको ए बी और एस्ट्रिक जो होगा, यानी ये ऑपरेटर है तो क्या होगा, ऑपरेंड से पहले आ जाएगा। तो ऑपरेंड कौन सा, ऑपरेंड वन है, इसके पहले क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट ऑपरेंड क्या है, सी। ये फाइनली ये रिजल्ट आएगा। ओके, इन दोनों को जब सॉल्व किए, डिवाइड बाई डी, ये आ गया। अब एक ही ऑपरेटर बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रीफिक्स में क्या होगा, ये ऑपरेंड वन हो गया ये कम्प्लीटली, ये ऑपरेंड वन है, ऑपरेंड टू डी है, ऑपरेटर डिवीजन है, तो ये क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन एस्ट्रिक प्लस ए बी सी डी, इस तरीके से। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स। ओके, अब देखते हैं इसका पोस्टफिक्स, इसका इसके कैलकुलेट होगा। पोस्टफिक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ए प्लस बी एस्ट्रिक सी डिवाइड बाई डी। ओके, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या था आपका, ऑपरेटर पहले आ रहा था, यहाँ क्या होगा, ऑपरेटर बाद में, क्योंकि पोस्टफिक्स क्या होता है, ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ये हो जाएगा एस्ट्रिक सी डिवाइड बाई डी। अब देखेंगे तो वही सेम चीज़ यहाँ जैसे अप्लाई हुई थी, ये आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस, यानी दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, तो इसके लेफ्ट में ये जो होगा ऑपरेंड वन ही होगा, ऑपरेंड टू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस और नेक्स्ट ऑपरेंड सी है, और स्टार क्या जाएगा इसके बाद, तो ये हो जाएगा एस्ट्रिक, यहाँ आ जाएगा, और डिवाइड बाई डी। ओके, ये ऑपरेंड वन है और ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड टू है, तो क्या करेंगे, ऑपरेटर को जो है ऑपरेंड्स के बाद में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डी एंड डिवीजन, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स। अगर इसमें भी देखेंगे तो ऑपरेंड का ऑर्डर ए बी सी डी, यहाँ है ए बी सी डी, यहाँ ये प्रीफिक्स, यहाँ ए बी सी डी, तो एक साथ आ गया, यहाँ ए बी सी डी, ऑपरेंड का ऑर्डर नहीं चेंज होगा, खाली ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ओके, सो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका गिवन इन्फिक एक्सप्रेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फिक एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे और जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ अगर स्कैन करेंगे तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर कौन सा है, पावर, लेकिन यहाँ कितने पावर हैं, दो ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले कौन सा इवेलुएट होगा, अब ये डिपेंड करता है कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो एसोसिएटिविटी क्या है इसके, राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब जो राइट वाला ऑपरेटर होगा उसको पहले इवेलुएट करेंगे। तो इसके लेफ्ट में ऑपरेंड कौन सा, ई, यानी ऑपरेंड ई इधर है और ऑपरेंड एफ इधर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करें। ओके, तो प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले आएगा, तो ये पावर आ जाएगा और ई एफ बाद में लिखेंगे, तो ये फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेंड्स बाद में आएंगे, तो ऑपरेंड्स ई फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा, उससे पहले ऑपरेटर आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, तो ये फाइनली आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये पूरा पूरा ऑपरेंड बन चुका है। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर हाईएस्ट, फिर से क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और उसमें जो नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अभी भी पावर है यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट में जो होगा वो डी आपका ऑपरेंड होगा और इसके राइट में ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑपरेंड होगा। तो जब इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डी फर्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे, पहले तो ये ऑपरेटर लिखेंगे पावर, उसके बाद फर्स्ट ऑपरेंड डी, नेक्स्ट ऑपरेंड क्या है, पूरा एक्सप्रेशन, तो क्या पावर ई एफ, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक ऑपरेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट में इसको लिखते जाएं ताकि ये रहे कि ये ऑपरेंड आपका बन चुका है। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब जो है फिर से स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट, उसके बाद जो है चेक करेंगे कौन सा हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है। तो अब जो है हाईएस्ट प्रेसिडेंस का क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है वो सेम प्रेसिडेंस का होता है, अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आते हैं तो क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब जैसे स्कैन के तो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट मोस्ट में कौन सा मिल रहा है, स्टार, ये, तो इसके लेफ्ट में ये ऑपरेंड वन बनेगा और इसके राइट में क्या होगा, ये ऑपरेंड टू हो जाएगा। तो इसको जब इवेलुएट करेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रिक जो है ऑपरेटर पहले लिखेंगे, बी नेक्स्ट ऑपरेंड, सी नेक्स्ट ऑपरेंड, तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से इवेलुएट करेंगे इसको। तो सबसे पहले स्कैन करेंगे थ्रू आउट इनफिक्स एक्सप्रेशन, जो रिजल्टेंट मिला उसमें क्या करेंगे, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अब क्या है, डिवीजन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन, लेकिन लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले ये मिला, तो इसके लेफ्ट वाला ये एक ऑपरेंट बनेगा और दूसरा ऑपरेंट क्या ही होगा, तो ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेंट से पहले लिखेंगे। तो ए प्लस डिवीजन पहले आएगा, डिवीजन, और बाकी एज इट इज लिख देंगे, स्टार बी सी, नेक्स्ट क्या है, पावर डी पावर ई एफ, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक ऑपरेंड बन जाएगा। बाकी ये स्टार ए माइनस बी डिवाइड बाई सी ये लिख दिया।
अब फिर से क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस को, तो कौन सा आएगा, ये प्लस है देन एस्ट्रिक है, बाकी डिवीजन है, तो एस्ट्रिक लेफ्ट टू राइट का मतलब एस्ट्रिक पहले करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, ये आपका पूरा पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा ऑपरेंड बनेगा और ये क्या हो जाएगा राइट में, ये सेकंड ऑपरेंड बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, एस्ट्रिक पहले लिखेंगे उसके बाद ये ऑपरेंड फिर उसके बाद ये ऑपरेंड, तो फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा, ए प्लस क्या यहाँ पे एस्ट्रिक और बाकी ये कॉपी कर लेंगे तो क्या जाएगा डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बी सी पावर डी पावर ई एफ ए, ये पूरा पूरा फर्स्ट ऑपरेंड हुआ, सेकंड ऑपरेंड क्या है, ए एस्ट्रिक पहले लगा दिया और बाकी बी अपॉन सी एज इट इज़ लिख दिया, तो पूरा पूरा ऑपरेंड यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट, तो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ डिवीज़न, तो डिवीज़न पहले सॉल्व करेंगे, तो जब डिवीज़न सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवीज़न आपका ऑपरेटर है इसके लेफ्ट में बी है और इसके राइट में क्या है सी है, तो पहला ऑपरेंड क्या हो जाएगा, यानी ऑपरेटर क्या है डिवीज़न बी सी, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा एक ऑपरेंड बन जाएगा, बाकी माइनस और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस भी सेम प्रेसिडेंस का होता है, इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है लेफ्ट टू राइट, तो ये प्लस पहले इवेलुएट होगा, तो क्या होगा ये प्लस पहले आ जाएगा, तो प्लस ए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये फाइनली आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब सिर्फ क्या हुआ, प्लस तो यहाँ आ गया, बाकी इससे पहले क्या था, ये ऑपरेंड वन हो जाएगा, इससे पहले ऑपरेटर प्लस आ जाएगा, ये ऑपरेंड वन हो गया और बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो होंगे ये ऑपरेंड टू हो जाएगा, एज इट इज़ लिख दिए या माइनस। अब क्या होगा, ये एक ही ऑपरेटर बचा है, इसके लेफ्ट में ये ऑपरेंड वन होगा और इसके राइट में ऑपरेंड टू, ये पूरा पूरा होगा, तो क्या करेंगे माइनस पहले लिखेंगे उसके बाद इन दोनों कॉपी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस, बाकी इसको ऑपरेंड वन ये लिख देंगे, ऑपरेंड टू यहाँ लिख देंगे, तो लिख देते हैं, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है ए तक ऑपरेंड वन है और स्लैश बी सी क्या है नेक्स्ट ऑपरेंड है, उससे पहले ऑपरेटर क्या है माइनस। तो इस तरीके से जो है हम इनफिक्स से प्रीफिक्स कैलकुलेट इस तरीके से कर लेंगे। अब इसी एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, ओके। तो इसका पोस्टफिक्स कैलकुलेट करते हैं, तो पोस्टफिक्स में क्या करेंगे, प्रीफिक्स का जस्ट रिवर्स, मतलब ये है कि ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर, प्रीफिक्स में क्या करते हैं ऑपरेटर पहले लिखते हैं और पोस्टफिक्स में क्या करेंगे ऑपरेटर बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे और हाईएस्ट प्रेसिडेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है पावर एंड दिस पावर, तो दो मिल रहा है, तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे और पावर की एसोसिएटिविटी क्या होती है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट का मतलब इसके लेफ्ट में ये वाला ऑपरेंड वन होगा, ये ऑपरेंड टू होगा, बीच में ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर अब क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ई एफ पावर, इस तरीके से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा ऑपरेंड बन जाएगा, ओके। और ऑपरेंड को यहाँ ब्रैकेट में लिखना, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से स्कैन करेंगे इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन को और फाइंड करेंगे कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस का कौन सा है, ये ऑपरेटर क्या है एक्सपोनेंट यानी पावर ये है, तो इसके राइट में जो होगा वो आपका नेक्स्ट यानी सेकंड ऑपरेंड होगा, इसके पहले वाला क्या होगा फर्स्ट ऑपरेंड होगा, तो क्या करेंगे इस ऑपरेटर को इसके बाद लिखेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या, यानी ये आपका लेफ्ट में ये ऑपरेटर और ये, तो क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट ऑपरेंड क्या ई एफ पावर, ये पूरा पूरा ऑपरेंड हो जाएगा और इस ऑपरेटर को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, तो फाइनली रिजल्टेंट जो आपका पोस्टफिक्स आएगा इतना आएगा, ओके। बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो ये फाइनली आपका जो है एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक बार फिर से इसको स्कैन करेंगे और फाइंड करेंगे कौन सा हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एस्ट्रिक और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस का आता है और ये लेफ्ट टू राइट होता है, तो पहले ये इवैल्यूएट होगा, तो इसके लेफ्ट में ये ऑपरेंड है राइट में ये ऑपरेंड है, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा बी सी स्टार, ये फाइनली क्या होगा एक ऑपरेंड बनेगा, बाकी एज इट इज इसको लिख लेंगे, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर फाइंड करेंगे, तो यहाँ डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, तो ये लेफ्ट वाला पहले इवैल्यूएट होगा, ये पूरा आपका ऑपरेंड वन ये होगा, ऑपरेंड टू यहाँ होगा, और क्या करेंगे इस ऑपरेटर को इस ऑपरेंड के बाद में लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट बी सी स्टार, ये ऑपरेंड वन हो गया, फिर क्या लिखेंगे ऑपरेंड टू डी ई एफ पावर एंड पावर, और इस ऑपरेटर को क्या करेंगे इसके बाद में लिखेंगे, तो ये फाइनली क्या होगा इसका रिजल्ट हो जाएगा, बाकी ये आपका ए प्लस एस्ट्रिक ए माइनस बी अपॉन सी एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या होगा नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस का क्या है एस्ट्रिक, क्योंकि लेफ्ट में ये आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है, तो पहले इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये पूरा पूरा क्या होगा ऑपरेंड वन होगा, ये ऑपरेंड टू होगा और ये ऑपरेटर जो उसके बाद आएगा, तो लिख लेते हैं क्या आएगा, तो ये फाइनली आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी ये ऑपरेंड वन एज इट इज़ पूरा लिख लिए कहाँ तक, यहाँ ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ यहाँ तक है, नेक्स्ट ऑपरेंड यहाँ ए आएगा और ये ऑपरेटर इसके बाद में आएगा, तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगे ए प्लस माइनस बी अपॉन सी, इस तरीके से इवेलुएट होगा।
अब क्या होगा, फिर फर्दर जो है स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कौन सा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का है, तो ये क्या है आपका डिवीजन ऑपरेटर, तो प्लस है यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ क्या है डिवीजन है, तो पहले इसको इवेलुएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी और डिवीजन, तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा माइनस, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी कर ले रहे हैं, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे फिर से जो है नेक्स्ट ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस सेम ही होता है तो लेफ्ट वाला इवेलुएट होगा, तो ये फर्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे देन नेक्स्ट ऑपरेंड लिखेंगे और प्लस को उसके बाद लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए, तो इस तरीके से ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ए यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा और बाकी नेक्स्ट वाला ऑपरेंड यहाँ लिखेंगे, वो ऑपरेंड कहाँ था एस्ट्रिक तक, यहाँ तक है, और प्लस को क्या करेंगे यहाँ जो है बाद में लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है पोस्टफिक्स में क्या होता है ऑपरेटर बाद में आता है, प्लस यहाँ आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ यही आ जाएगा। अब ये पूरा पूरा क्या होगा, ये आपका एक ऑपरेंड, क्योंकि एक ही ऑपरेटर बचा है तो लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड होगा और राइट साइड में एक ऑपरेंड होगा, तो सिंपली क्या करेंगे इनको इन दोनों के साथ एक साथ लिखेंगे और माइनस को क्या करेंगे उसके बाद लिख देंगे, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखना है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ऑपरेंड वन था इसको लिख दिया, ऑपरेंड टू क्या था बी सी स्लैश यानी डिवीजन, उसके बाद क्या होगा ऑपरेटर यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो उसको पोस्टफिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो मैनुअली जो है इसको किया है, लेकिन अब इसको एल्गोरिथम के थ्रू किस तरीके से करेंगे, यानी कन्वर्जन इनफिक्स को प्रीफिक्स में या इनफिक्स को पोस्टफिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एल्गोरिथम के थ्रू, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।